से ज़्यादा हो गया, 24 घंटा हो गया, पर अभी हम दिल्ली नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग बस आगरा ही पहुँचे। चल तो यात्रा शुरू होती है बिहार से, मतलब मेरे घर से। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है बिहार से। तो अभी पूरा शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि जल्दीबाजी में हम जा रहे हैं। दो दिन से ट्रेन का टिकट ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, रिजेक्ट और वेटिंग में चला जा रहा था। तो आज हम बस से निकल रहे हैं, तो बस का कंसेप्ट पूरा टूर में होगा और हम जा रहे हैं दिल्ली। तो भाई चला रहा है, भाई पूरा ग्रेड वन वाला स्पीड में, क्योंकि वो बुलाया था 1 बजे तक, अभी 1:10 हो चुका है। तभी चलते हैं जल्दी से वहाँ पे। अभी इतना तो पैसेंजर के बाद मेरा आएगा नंबर टिकट का। तभी जर्नी स्टार्ट होने में थोड़ी लेट लगेगी, ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा है। बस इंतज़ार करो, इसी से चलनी है पूरा सफ़र दिल्ली तक का। बैठ गए हम, चेयर वाला सीट ले इसलिए कि यहाँ पे चार्जर वाला सॉकेट है, मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाएगा, कैमरा चार्ज हो जाएगा। पसीना बहुत ज़्यादा है, एसी अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बस पता ना कब तक खुलेगी, चलो खुलेगी जब पहुंच जाएंगे। पहला बार एक्सपीरियंस है बस का। अभी हम लोग की तो जर्नी स्टार्ट हुई है, बट इतना ज़्यादा पसीना वगैरह है यहाँ पे, एसी भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो बस यही सफ़र काटो और देखो भीड़ कितना ज़्यादा है कोविड में, मतलब बीच में भी टेबल वगैरह लगा के घुसा दिया है सब, कोई बात नहीं। अभी देखो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, पूरा पीछे तक भर दिया। अभी सामने टेबल खरीद के देखो, टेबल खरीद के दिया है इस बंदे को बैठने के लिए, 1000 रुपये का सीट है, मतलब बहुत ख़तरनाक सीट है बोले भाई मलमलिया वाला। अभी लगभग हम लोग 2 से 3 घंटा से फंसे हुए हैं यहाँ पे, पूरा देख रहे हो जाम, और मैं भी शायद आगे एक्सीडेंट वगैरह हुआ। अभी हम लोग बिहार में ही हैं और टाइम हो चुका है 6:30 ज़्यादा हो चुका है। अभी आगे पता ना पासिंग वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी सब पास होना स्टार्ट हुआ है, अभी सब लोग चढ़ रहा है। लगभग 2 से 3 घंटा से हम लोग फंसे हुए हैं भाई, पूरा सिर दुखने लगा, मतलब ये वाला बस का जर्नी मेरे को याद रहेगा। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम ही ऐसा ऐसा चीज हो रहा है। एक पनीर रोटी दे दे। तो अभी अपना यहाँ पे डिनर हुआ यूपी में, और 100 में था 2000 पनीर तनक तनक सा और तंदूरी रोटी चार और 20 रुपये का पानी। तो फिर मिलते हैं कल सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो भैया गुड मॉर्निंग होते हुए ये चक्का फट गया बस का, तो बनने में इंतज़ार हो रहा है, दूसरे बस आएगा उसका स्टेप नहीं देगा तब बनेगा। तब तक हम मंदिर का दर्शन किए, इधर उधर घूमे, तब तक चक्का वगैरह बन के तैयार था। अब लखनऊ का नज़ारा लेते हैं। लखनऊ वैसे बहुत अच्छा शहर है, देखने में साफ सुथरा, हाईटेक इलाका, 2-4 दिखाई दिया बट बहुत सही है, मेरे को अच्छा लगा ये वाला शहर लखनऊ, मस्त शहर है भाई। तो अभी जर्नी को इन्जॉय करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ओके चलो, अभी लखनऊ के बाद सुबह सुबह रुका है लखनऊ एक्सप्रेस वे, लखनऊ अगड़ा एक्सप्रेस वे के बाद एक छोटा सा नाश्ता प्लाजा पे, वहाँ पे सबको उतर के नाश्ता कर रहा है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई, देखो लग रहा है कि लगभग 2-3 बजे के बाद ही पहुँचेंगे गाजियाबाद। अभी फिर एक ढाबे पर रुके हुए हैं लोग, कल 1 बजे निकले घर से
और अभी एक से ज़्यादा हो गया, 24 घंटा हो गया, पर अभी हम दिल्ली नहीं पहुँचे हैं, अभी हम बस आगरा ही पहुँचे हैं। तो आगरा पंछी का पेठा ले लिया, ढाबा पे रुका, सब कोई खा रहा है, बस हम पानी लिए हुए हैं। तो भैया अभी सेक्टर 37 पहुंचने से पहले 121 किलोमीटर अभी और है, और आगे वाला चक्का फट गया, तो अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके पास ना स्टेपनी है, ना वहाँ पे हवा वगैरह का मशीन है, ना कोई होटल है। तो जल्दी से दूसरा बस हम लोग पकड़े और फिर वहाँ से निकले सेक्टर 37 के लिए। दूसरी बस 120 रुपये 100 किलोमीटर के लिए, फिर से आगे वाला चक्का पंचर हो गया। तो फाइनली हम दिल्ली पहुँच गए थे लगभग 8 बजे के करीब में। तो यहाँ से जा रहे थे गाज़ियाबाद और फिर घर पे। तो बाय बाय।